Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Odisha government proposed state second biosphere reserve as Mahendragiri. Odisha ke government ne proposed kiya hai state ka second biosphere reserve ko Mahendragiri pe. Hum janenge iske bare mein details mein. The Odisha government has proposed a second biosphere reserve in the southern part of the state at Mahendragiri, a hill ecosystem having rich biodiversity. Jo Odisha ke government hai, unhone proposed kiya hai second biosphere reserve southern part mein state ke Mahendragiri ke paas, jo ki ek hill ecosystem hai jahan pe rich biodiversity available hai. The 5,569 square kilometer Simlipal Biosphere Reserve is Odisha's first such reserve and was notified May 20, 1996. जो 5,569 square kilometer में फैला Simlipal Biosphere Reserve है, वो Odisha का पहला reserve है, जिसको कि notify किया गया था May 20, 1996 में. तो Odisha का पहला Biosphere Reserve कौन सा है? Simlipal Biosphere Reserve. Simlipal Biosphere Reserve कहाँ पे है? तो Odisha पे है. और दूसरा Mahendragiri पे बोला जा रहा है Odisha का second Biosphere Reserve के लिए. तो प्रपोज महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम जानेंगे. इट इज अराउंड 4,20,955 हेक्टेयर्स एंड स्प्रेड ओवर गजपति एंड गंजम डिस्ट्रिक्ट इन द ईस्टर्न घाट. ये जो है अराउंड 4,20,955 हेक्टेयर में फैला हुआ है. ये स्प्रेड करता है आपके गजपति और गंजम डिस्ट्रिक्ट में ईस्टर्न घाट के. द हिल इकोसिस्टम एक्ट एज ए ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द फ्लोरा एंड फौना ऑफ साउथर्न इंडिया एंड हिमालयस, मेकिंग द रीजन एंड इकोलॉजिकली स्टुअरी ऑफ जेनेटिक डायवर्सिटी. जो हिल इकोसिस्टम है वो एक्ट करता है एक ट्रांजिशनल जोन के रूप में फ्लोरा और फौना के लिए साउथर्न इंडिया का और हिमालयस के लिए, और ये एक रीजन के रूप में काम कर रहा है इकोलॉजिकल स्टोरी के तौर पे जेनेटिक डायवर्सिटी के लिए. महेंद्रगिरी इज इनहेबिटेड बाय दिस सौरा पीपल अ पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप एज वेल एज दी कांडा ट्राइब. महेंद्रगिरी जो है उसको इनहेबिट किया गया है सौरा पीपल के द्वारा, जो कि एक पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, और साथ साथ कांडा ट्राइब भी वहां पे इनहेबिट करते हैं. बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व इज एन इंटरनेशनल डेजिग्नेशन बाय यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप एक्सटेंडिंग ओवर लार्ज एरिया ऑफ टेरेस्ट्रियल और कोस्टल और मैराइन इकोसिस्टम और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है ये इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है यूनेस्को के द्वारा, जो कि रिप्रेजेंट करता है पार्ट को नेचुरल या कल्चरल लैंडस्केप का, जो कि एक्सटेंड करता है लार्ज एरिया पे टेरिस्ट्रियल या कोस्टल या मैराइन इकोसिस्टम पे, या कॉम्बिनेशन होता है दोनों का. बायोस्फीयर रिजर्व ट्राइज टू बैलेंस इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एसोसिएटेड कल्चरल वैल्यू अलॉन्ग विद द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर. जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कोशिश करता है कि वो बैलेंस करे इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के बीच में, और मेंटेन करे और एसोसिएटेड कल्चरल वैल्यूज को साथ साथ प्रिजर्व करे नेचर को भी. द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व वॉज लॉन्च इन 1971 एज पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम. जो कॉन्सेप्ट था बायोस्फीयर रिजर्व का, इसको लॉन्च किया गया था 1971 पे एक पार्ट के तौर पे यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के. क्रिटेरिया फॉर डेजिग्नेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. अब किसी भी एरिया को तो हम ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व नहीं डेजिग्नेट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ क्रिटेरिया होगा डेजिग्नेट करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व को. तो क्रिटेरिया क्या है? अ साइट मस्ट कंटेन ए प्रोटेक्टेड एंड मिनिमली डिस्टर्ब कोर एरिया ऑफ वैल्यू ऑफ नेचर इको कंजर्वेशन. जो साइट होगा वो मस्ट कंटेन करना चाहिए एक प्रोटेक्टेड और मिनिमली डिस्टर्ब कोर एरिया को, जिसका वैल्यू होगा नेचर कंजर्वेशन का. कोर एरिया मस्ट बी ए बायोजोग्राफिकल यूनिट एंड शुड बी लार्ज इनफ टू सस्टेन ए वायबल पॉपुलेशन रिप्रेजेंटिंग ऑल ट्रॉपिक लिव. जो कोर एरिया है वो एक बायोजोग्राफिकल यूनिट होगा, साथ साथ वो लार्ज एनफ होना चाहिए ताकि वो सस्टेन कर सके एक वायबल पॉपुलेशन को, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हो सारे ट्रॉपिक लेवल को. द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज एंड यूज ऑफ देयर नॉलेज इन बायोडायवर्सिटी प्रिजर्वेशन. इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए लोकल कम्युनिटीज का और यूज होना चाहिए उनके नॉलेज का बायोडायवर्सिटी प्रिजर्वेशन के लिए. एरियाज पोटेंशियल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल ट्राइब और रूरल मोड ऑफ लिविंग फॉर हार्मोनियस यूज ऑफ द इन्वायरमेंट. जो एरिया का है उसका पोटेंशियल होना चाहिए प्रिजर्वेशन को लेकर ट्रेडिशनल ट्राइबल और रूरल मोड्स ऑफ लिविंग को, और साथ साथ हार्मोनियस यूज होना चाहिए इन्वायरमेंट का. ये आप देख सकते हैं जो बायोडायवर्सिटी का एरिया का बात किया गया है, उसमें ह्यूमन सेटलमेंट का होता है, रिसर्च के लिए फील्ड अलग से रहता है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, टूरिज्म, उसके जो आपका कोर एरिया है उसके आउटर में बफर जोन हो गया और उसके आउटर में ट्रांजिशन एरिया हो गया. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्री पैक अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड.
हम जानेंगे प्री पैक के बारे में अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंतर्गत. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रोमल्गेटेड एन ऑर्डिनेंस अलाउइंग द यूज ऑफ प्री पैक एज एन इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर एमएसएमई विद डिफॉल्ट अप टू ₹1 करोड़ अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने प्रोमल्गेट किया है एक ऑर्डिनेंस जो कि अलाउ करेगा यूज करने के लिए प्री पैक को एक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के तौर पे एमएसएमई के लिए जिनका डिफॉल्ट जो है वो अप टू ₹1 करोड़ का होगा अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंतर्गत. प्री पैक है क्या? A prepack is the resolution of the debt of a distressed company through an amendment agreement between secured creditors and investor instead of a public bidding process. जो एक प्रीपैक होता है ये एक रिजोल्यूशन होता है जो डेप्थ होता है डिस्ट्रेस कंपनी का एक एग्रीमेंट के माध्यम से सिक्योर क्रेडिटर और इन्वेस्टर के बीच में, ना कि इसके लिए पब्लिक बिडिंग प्रोसेस होता है. दिस सिस्टम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेसिंग हैज बिकम एन इंक्रीजिंगली पॉपुलर मैकेनिज्म फॉर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन इन द यूके एंड यूरोप ओवर द पास्ट डिकेड. और ये जो सिस्टम है प्रीपैक का इंसॉल्वेंसी प्रोसेसिंग के लिए ये काफी ज्यादा पॉपुलर मैकेनिज्म है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन के लिए यूनाइटेड किंगडम और यूरोप में ओवर द पास्ट डिकेड में देखा गया है. Under the prepack system, financial creditor will agree to terms with a potential investor and seek approval of the resolution plan from the National Company Law Tribunal. जो प्रीपैक सिस्टम है उसके अंतर्गत जो फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं वो तैयार होते हैं टर्म्स पे पोटेंशियल इन्वेस्टर का और तैयार होते हैं अप्रूवल के लिए रिजोल्यूशन प्लान का नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल का. The approval of a minimum of 66% of financial creditor that are unrelated to the corporate debtor would be required before a resolution plan is submitted to NCLT. जो अप्रूवल है वो मिनिमम 66% का होना चाहिए फाइनेंशियल क्रेडिटर का जो कि रिलेटेड नहीं होने चाहिए कॉर्पोरेट डेप्टर से और वो रिक्वायर करने चाहिए कि वो रेजुलेशन प्लान को सबमिट करें नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास. फर्दर एनसीएलटी आर ऑल्सो रिक्वायर टू आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन फॉर अ प्री पैक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग बिफोर कंसिडरिंग अ पिटीशन फॉर सीआईआरएफ. और जो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है वो रिक्वायर होता है कि वो चाहे तो एक्सेप्ट करेगा वो रिजेक्ट करेगा एप्लीकेशन को प्री पैक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग का बिफोर कंसिडर करने का पहले जो पिटीशन है सीआईआरपी का. बेनिफिट क्या है प्री पैक का सीआईआरपी के ऊपर? One of the key criteria of the corporate insolvency resolution process has been the time taken for resolution. एक जो मेन क्रिटिसिज्म है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का वो क्या है? तो बहुत ज्यादा समय लगता है इसके रिजोल्यूशन पे. वन ऑफ द की रीजन बिहाइंड डिले इन द सीआईआरपी इज प्रोलॉन्ग लिटिगेशन बाय एल्सवाइल प्रमोटर एंड पोटेंशियल बिडर. और एक जो मेन रीजन है जो डिले होता है सीआईआरपी के लिए वो क्या है? तो जो लिटिगेशन है और जो प्रमोटर और पोटेंशियल बिडर के बीच में जो समय लगता है इसके कारण होता है. द प्री पैक इज कॉन्ट्रैक्ट इज लिमिटेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 120 डेज विद ओनली 90 डेज अवेलेबल टू द स्टेक होल्डर टू ब्रिंग द रिजोल्यूशन प्लान टू द एनसीएलटी. और जो प्री पैक है इन कॉन्ट्रेस क्या है ये लिमिटेड है, इसमें मैक्सिमम 120 डेज का ही लिमिट दिया गया है. साथ साथ 90 डेज अवेलेबल होता है स्टेक होल्डर के पास वो रिजोल्यूशन प्लान को लाए नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के सामने. यानी एक टाइम फ्रेमवर्क में हो जाएगा और समय जो लैप्स होता है वो नहीं होगा, जल्दी से सॉल्यूशन हो सकता है प्रॉब्लम का. The existing management retain control in the case of prepack, while a resolution professional take control of the debtor as a representative of creditor in the case of CIRP. This allow for minimal disruption of operational relative to a CIRP. जो existing management है वो retain करते हैं control prepack के case में, जबकि जो resolution professional होते हैं वो control करते हैं debt के ऊपर, साथ साथ जो representative होते हैं creditor के in case of CIRP के. ये allow करता है कि minimum disruption of operation पे related to सीआईआरपी के ऊपर. हाउ आर क्रेडिटर प्रोटेक्टेड? किस तरीके से क्रेडिटर को प्रोटेक्ट किया गया प्रीपैक में? द प्रीपैक ऑल्सो प्रोवाइड एडिकेट प्रोटेक्शन टू इंश्योर द प्रोविजन वी आर नॉट मिसयूज्ड बाय एरेंट प्रमोशन. जो प्रीपैक है इसमें प्रोवाइड किया गया है एडिकेट प्रोटेक्शन को ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि ये जो प्रोविजन है उसको मिसयूज नहीं किया जाए एरेंट प्रमोटर्स के द्वारा. द प्रीपैक मैकेनिज्म अलो फॉर एच विथ चैलेंजेस फॉर एनी रेजोल्यूशन प्लान विच प्रूव लेस देन फुल रिकवरी ऑफ ड्यूज फॉर ऑपरेशनल क्रेडिटर. जो प्रीपैक मैकेनिज्म है वो अलो करता है स्विच चैलेंजेस को किसी भी रिजोल्यूशन प्लान के ऊपर जो कि प्रूव हो रहा हो लेस देन फुल रिकवरी ऑफ ड्यूज के ऊपर ऑपरेशनल क्रेडिटर का. अंडर द स्विच चैलेंज मैकेनिज्म एनी थर्ड पार्टी वुड बी परमिटेड टू सबमिट अ रिजोल्यूशन प्लान फॉर द डिस्ट्रेस्ड कंपनी एंड द ओरिजिनल एप्लीकेंट वुड हैव टू आइदर मैच द इम्प्रूव रिजोल्यूशन प्लान और फॉरगो द इन्वेस्टमेंट. जो स्विच चैलेंज मैकेनिज्म है उसके अंतर्गत कोई भी जो थर्ड पार्टी है वो परमिट है सबमिट करने के लिए एक रेजोल्यूशन प्लान को डिस्ट्रेस कंपनी के लिए, और जो ओरिजिनल एप्लीकेंट होते हैं वो आइदर मैच करेंगे इम्प्रूव रेजोल्यूशन प्लान को या वो फोरगो करेंगे इन्वेस्टमेंट को. क्रेडिटर आर ऑल्सो परमिटेड टू सीक रेजोल्यूशन प्लान फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रेजोल्यूशन प्लान फोल्ड बाय द प्रमोटर.
जो क्रेडिटर है उनको परमिट किया गया है स्विच चैलेंज में, वो रिजोल्यूशन प्लान ले सकता है किसी भी थर्ड पार्टी से। अगर वो नहीं सेटिस्फाई होते हैं रिजोल्यूशन प्लान से तो वो फोल्ड बाय प्रमोटर के द्वारा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जस्टिस रमना अपॉइंटेड है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो जस्टिस रमना है उनको अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पोस्ट पे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर कंफर्ड बाय क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड जस्टिस एनवी रमना जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने यूज करते हुए अपने पावर को जो कि दिया गया है उनको क्लॉज 2 के अंतर्गत आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के उन्होंने अपॉइंट किया है जस्टिस एनवी रमना को, जो कि जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द चीफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर ऑफ द इंडियन फेडरल जुडिशियरी। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो चीफ जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के और वो साथ साथ हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर होते हैं इंडियन फेडरल जुडिशियरी के। इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट पावर टू द प्रेसिडेंट टू नॉमिनेट एंड विद द एडवाइस एंड कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट अपॉइंट अ चीफ जस्टिस हु सर्व अंटिल दे रीच द एज ऑफ 65 और अंटिल रिमूव बाय इम्पीचमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उन्होंने ग्रांट किया है पावर प्रेसिडेंट को कि वो नॉमिनेट करे और एडवाइस और कंसेंट से पार्लियामेंट के अपॉइंट करे चीफ जस्टिस को, जो कि सर्व करे अंटिल दी वो रीच करे जब तक एज ऑफ 65 को वह उनको रिमूव किया जाए इम्पीचमेंट से। ये दो क्रिटेरिया है। अर्लियर इट वॉज ए कन्वेंशन टू अपॉइंट सीनियर मोस्ट जज। पहले एक कन्वेंशन से कि अपॉइंट किया जाएगा सीनियर मोस्ट जज को, जबकि अब वो वैसा रहा नहीं है। However, this has been broken twice. In 1973, Justice A.N. Rai was appointed superseding three senior judges. लेकिन इसको दो बार अभी तक तोड़ा जा चुका है। 1973 में जस्टिस A.N. Rai जो था उनको अपॉइंट किया गया था सुपरसीड करके थ्री सीनियर जज को, और 1977 में भी जस्टिस मिर्जा हमीदुल्ला बेग को अपॉइंट किया गया था चीफ जस्टिस के पोस्ट पे सुपरसीड करते हुए जस्टिस हंसराज खन्ना को। क्वालिफिकेशन क्या होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बनने के लिए? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज इन आर्टिकल 124 क्लोज 3 दैट इन ऑर्डर टू बी अपॉइंटेड एज जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द पर्सन हैज टू फिट इन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने कहा है आर्टिकल 124 क्लॉज 3 पे कि अपॉइंट होने के लिए जज के पोस्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पर्सन को फिट होना होगा फॉलोइंग क्राइटेरिया के अंतर्गत। पहला तो ही सी इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी उसको सिटीजन ऑफ इंडिया होना होगा। हैज बीन फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ ए जज ऑफ हाई कोर्ट और 2 और मोर सच कोर्ट इन सक्सेशन। वो 5 ईयर जज होने चाहिए हाई कोर्ट के या 2 और मोर सच कोर्ट के सक्सेशन पे। हैज बीन फॉर एटलीस्ट 10 ईयर एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और 2 और मोर सच कोर्ट इन सक्सेशन। वो एटलीस्ट 10 ईयर वो एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में व 2 और मोर सच कोर्ट में सक्सेशन पे। इज इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, और ओपिनियन में प्रेसिडेंट के वो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होने चाहिए। फंक्शन क्या है उनका? एज ए हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलोकेशन ऑफ केसेस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस विच डील विद इम्पोर्टेंट मैटर ऑफ लॉ। ये हेड होता है, जो हेड होता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो रिस्पॉन्सिबल होता है एलोकेट करने के लिए केसेस को और अपॉइंटमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का, जो कि डील करता है इम्पोर्टेंट मैटर ऑफ लॉ से। इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीम कोर्ट रूल ऑफ प्रोसीड्यूर ऑफ 1966 द चीफ जस्टिस एलोकेट ऑल वर्क टू अदर जजेस। जो आर्टिकल 145 है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अकॉर्डिंगली, और जो सुप्रीम कोर्ट का रूल ऑफ प्रोसीड्यूर है 1966 का, जो चीफ जस्टिस है वो एलोकेट करते हैं सारा वर्क अदर जज को। ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैरीज आउट द फॉलोइंग फंक्शन, और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कैरी करते हैं फॉलोइंग फंक्शन को, यानी वो मेंटेन करते हैं रोस्टर को, साथ साथ जो अपॉइंटमेंट है कोर्ट के ऑफिशियल का, जनरल का और अदर मिसलेनियस मैटर जो कि रिलेटेड है सुपरविजन और फंक्शनिंग से सुप्रीम कोर्ट का, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही करते हैं। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्राइब्यूनल रिफॉर्म रेशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021। तो हम जानेंगे जो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म रेशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस है 2021 का, इसके बारे में। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज प्रोमल्गेटेड द ट्राइब्यूनल रिफॉर्म रेशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रोमल्गेट किया है ट्राइब्यूनल रिफॉर्म रेशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021 को। द प्रपोज चेंजेस आर बेस्ड ऑन द डायरेक्शन इश्यू बाय द सुप्रीम कोर्ट लास्ट ईयर इन द मद्रास बार एसोसिएशन केस। जो प्रपोज चेंजेस है वो बेस्ड है, जो डायरेक्शन इश्यू किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लास्ट ईयर मद्रास बार एसोसिएशन केस में, उसमें बेस्ड चेंजेस किया गया है। तो मेन चेंजेस क्या क्या है वो हम देखेंगे। द ऑर्डिनेंस सीक्स टू डिजॉल्व सर्टेन एग्जिस्टिंग एपिलेट बॉडी एंड ट्रांसफर देयर फंक्शन टू अदर एग्जिस्टिंग जुडिशियल बॉडी।
ये जो ऑर्डिनेंस है ये डिजॉल्व करेगा कुछ एग्जिस्टिंग एपिलेट बॉडी को और ट्रांसफर करेगा उनके फंक्शन को अदर एग्जिस्टिंग जुडिशियल बॉडी के पास। इट्स सीक टू इम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल फॉर क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, टर्म ऑफ ऑफिस, सैलरी एंड अलाउंस, डेजिग्नेशन, रिमूवल एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर ऑफ ट्राइब्यूनल। ये जो है इम्पावर करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो रूल बनाए क्वालिफिकेशन को लेकर, अपॉइंटमेंट को लेकर, टर्म ऑफ ऑफिस, सैलरी एंड अलाउंस, डेजिग्नेशन, रिमूवल एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर ऑफ ट्राइब्यूनल के ऊपर। इट प्रोवाइड दैट चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द ट्राइब्यूनल विल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमिटी। ये प्रोवाइड कर रहा है कि जो चेयरपर्सन व मेंबर होंगे ट्राइब्यूनल के, उनको अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकमेंडेशन के बाद, सर्च कम सिलेक्शन कमिटी के रिकमेंडेशन को कंसिडर करने के बाद। इट ऑल्सो प्रोवाइड दैट कम्पोजिशन ऑफ द कमिटी टू बी हेडेड बाई द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाई हिम। और ये भी कह रहा है कि जो कम्पोजिशन होगा कमिटी का, इसको हेड किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिनको कि नॉमिनेट किया जाएगा। टेन्योर क्या होगा? तो चेयरपर्सन ऑफ अ ट्राइब्यूनल शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 4 ईयर और टिल ही अटेन द एज ऑफ 70 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। अदर मेंबर ऑफ ट्राइब्यूनल शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 4 ईयर और टिल ही अटेन द एज ऑफ 67 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। तो जो चेयरपर्सन होंगे ट्राइब्यूनल के, वो होल्ड कर सकते हैं ऑफिस को 4 साल के टेन्योर के लिए, वह उनका एज जब तक 70 ईयर्स ना हो जाए, जो भी पहले होगा। और जो अदर मेंबर होंगे ट्राइब्यूनल के, वो होल्ड करेंगे ऑफिस को 4 ईयर का टेन्योर होगा, वह एज क्रिटेरिया 67 ईयर हुआ है, जो भी पहले हो। द ऑर्डिनेंस ऑमिट फॉलोइंग ट्राइब्यूनल एपिलेट अथॉरिटी फ्रॉम द परव्यू ऑफ फाइनेंस एक्ट। और ये जो ऑर्डिनेंस है ये ऑमिट कर रहा है फॉलोइंग ट्राइब्यूनल एपिलेट अथॉरिटी को परव्यू ऑफ फाइनेंस एक्ट से। एयरपोर्ट एपिलेट ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश अंडर द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994। जो एयरपोर्ट एपिलेट ट्राइब्यूनल, जिसको कि इस्टेब्लिश किया गया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994 के अंतर्गत, उसको ये ओमिट किया है। एपिलेट बॉडी इस्टेब्लिश अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। जो एपिलेट बोर्ड को इस्टेब्लिश किया गया था ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंतर्गत। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग इस्टेब्लिश अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो अथॉरिटी था एडवांस रूलिंग के लिए, जिसको कि इस्टेब्लिश किया गया था इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत। और फिल्म सर्टिफिकेशन एपिलेट ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश अंडर द सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952। और जो फिल्म सर्टिफिकेशन एपिलेट ट्राइब्यूनल था, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 के अंतर्गत, इन सबको ओमिट किया गया है इसके अंतर्गत। Tribunal is a quasi judicial institution that is set up to deal with problems such as resolving administrative or tax related dispute. It performs a number of functions like adjudicating dispute, determining right between contesting parties, managing administrative decision, reviewing an existing administrative decision and so forth. तो ट्राइब्यूनल है वो एक क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको सेटअप किया गया है डील करने के लिए जो प्रॉब्लम था रिजॉल्विंग एडमिनिस्ट्रेटिव या टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट के लिए। ये परफॉर्म करता है बहुत सारे फंक्शन, जैसे कि ये एजुकेट करता है डिस्प्यूट को, डिटरमाइन करता है जो राइट है कॉन्टेस्टिंग पार्टी के बीच में, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेता है, रिव्यू करता है एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को एंड सो ऑन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है ट्राइब्यूनल को लेकर? देयर वी आर नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है ओरिजिनली पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। 42nd अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस दिस प्रोविजन इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमिटी। जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, इसने इंट्रोड्यूस किया था इस प्रोविजन को, और ये जो है अकॉर्डेंस है रिकमेंडेशन के ऊपर स्वरण सिंह कमिटी के। द अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस पार्ट 14A टू द कॉन्स्टिट्यूशन विद डील विद ट्राइब्यूनल एंड कंटेन 2 आर्टिकल। ये जो अमेंडमेंट था इसने इंट्रोड्यूस किया था पार्ट 14 को कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि डील कर रहा था ट्राइब्यूनल से, और ये कंटेन करता है 2 आर्टिकल को। वो आर्टिकल जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B। आर्टिकल 323A डील विथ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। दिस आर क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन दैट रिजॉल्व डिस्प्यूट रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशन ऑफ पर्सन इंगेज इन पब्लिक सर्विसेज। तो आर्टिकल 323A है, ये डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से। ये क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट को जो कि रिलेटेड है रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशन के ऊपर पर्सन का जो कि इंगेज है पब्लिक सर्विसेज में। आर्टिकल 323B डील्स विद ट्राइब्यूनल फॉर अदर सब्जेक्ट सच एज टैक्सेशन, इंडस्ट्रियल एंड लेबर, फॉरेन एक्सचेंज, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, लैंड रिफॉर्म, फूड सेलिंग और अर्बन पॉवर्टी, इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, रेंट एंड टेनेंसी एक्ट। और जो आर्टिकल 323B है ये डील करता है ट्राइब्यूनल को जो अदर सब्जेक्ट है उसके लिए, जैसे कि टैक्सेशन हो गया, इंडस्ट्रियल और लेबर हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, लैंड रिफॉर्म, फूड सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लैंड और टेनेंसी एक्ट, इन सबको कंसिडर किया गया आर्टिकल 323B पे।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम IVEP 2021। तो हम समझेंगे इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम के बारे में। इट वॉज होस्टेड रिसेंटली बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसको किसने होस्ट किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने होस्ट किया है इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम को। इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ 26 अदर कंट्रीज एंड 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टुक पार्ट इन। जो इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी है 26 कंट्रीज के और 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें पार्ट लिया था। इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम 2021 प्रोवाइड द पार्टिसिपेशन एंड ओवरव्यू ऑफ द लार्ज कैनवस ऑफ इंडियन इलेक्टोरल प्रोसेस, द न्यू इनिशिएटिव टेकन बाय ECI ऑन वोटर फैसिलिटेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम एक्सेट्रा। जो इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम है 2021 का, ये प्रोवाइड करता है पार्टिसिपेंट को एक ओवरव्यू लार्ज कैनवस ऑफ इंडिया के इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर। ये जो नया इनिशिएटिव लिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा वोटर फैसिलिटेशन, ट्रांसपेरेंसी और एक्सेसिबिलिटी को लेकर इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.